Assalamualaikum viewers, this is me Vikas Khan and you're watching Consult, Decide and Buy CDB Proper. Viewers, investment को अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि हम कुछ अमाउंट सेव करके उसकी जगह कोई प्लॉट ले लें, कोई ऐसी जगह ले लें कि आने वाले वक्त में उसको या तो बना के रह लेंगे या बच्चों के लिए ले लिया जाए या पढ़ाई के लिए लेंगे। तो एवरीबॉडी हैज इट्स ऑन जजमेंट्स कि वो उस इन्वेस्टमेंट का क्या करें। तो इन्वेस्टमेंट को अगर सामने रखा जाए तो लोगों के दिमागों में या बहरिया आता है या डिफेंस आता है। बहरिया के हवाले से बात की जाए तो बहरिया में एक बहरिया टाउन लाहौर है जहाँ पे आपको मतलब वो फुली सैचुरेटेड एरिया हो गया हुआ है। आप वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मिलना एज़ कम्पेयर टू बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 या बहरिया ऑर्चर्ड कम, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। वहाँ पे आपको अट्रैक्शन मिलती हैं, आईफल टावर मिलता है, ग्रैंड जामा मॉस मिलती है। बट वेल, ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बहरिया ऑर्चर्ड की बात करूँ तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, तो आपके पास 4 फेज। मैं बात करूँगा इस वक्त बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की। फेज़ 4 को क्यों अहमियत हासिल है इन सब फेजेस में, क्योंकि फेज़ 4 के अंदर एक कमर्शियल हब दिया जा रहा है। उसके मेन बुलवार्ड 160 फीट मेन बुलवार्ड के ऊपर आपको 4 से 5 मॉल्स दिए जाते जो बन रहे हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो टाइम स्क्वायर मॉल आ जाता है, जिसमें बहरिया स्काई मॉल आ जाता है, ऑर्चर्ड मॉल आ जाता है, SQ मॉल आ जाता है, उसके अलावा अरेबिया 99। तो एज़ कम्पेयर टू अदर 3 ब्लॉक्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की जो मेन अट्रैक्शन है वो इसका कमर्शियल हब है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे प्लॉट्स के हवाले से, तो प्लॉट्स में यहाँ पे आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग दी जाती है। थोड़ा सा इसको मज़ीद एलेबोरेट कर दूँ आपको मैं, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर आपको 6 ब्लॉक दिए जाते हैं, G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो G1, G2 में आपको कुछ बने घर नज़र आएंगे, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, बट अब चूँकि वहाँ पे कमर्शियल हब बन रहा है, वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू G5, G6 रेट थोड़े से ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ 5 मरले की, तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर आपको 5 मरले का जो प्लॉट है वो ऑलमोस्ट 32 से लेके 35 लाख के दरमियान मिल जाए। बात करूँ 10 मरला प्लॉट की, तो आपको वो 65 लाख से लेके 1 करोड़ 30 लाख के दरमियान मिल जाए। अगर मैं बात करूँ 1 कनाल की, तो 1 कनाल 1 करोड़ 45 लाख से लेके ऑलमोस्ट 2 करोड़ तक डिपेंडिंग ऑन लोकेशन चला जाए। इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4, बिकॉज बहरिया टाउन ऑलरेडी पैक हो चुका है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 इज अंडर डेवलप्ड, स्टिल डेवलपिंग, तो इसमें एक अच्छी ऑप्शन मिल जाएगी आपको फॉर नियर फ्यूचर दैट यू कैन इन्वेस्ट योर अमाउंट, कि आप एक ऐसी जगह पे अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट कर दें कि आने वाले वक्त में होपफुली आप वहाँ पे आके घर बना के रह सकते हैं, आप उसको बेच के कुछ और काम कर सकते हैं। बट इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बहरिया, बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया टाउन। सो आई वुड रिकमेंड बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 इज़ अ राइट प्लेस फॉर यू गाइज टू इन्वेस्ट राइट नाउ टू गेट मोर प्रॉफिट। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉल ऑन द गिवन नंबर। थैंक यू सो मच। Thank you.